ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जो भविष्य कथन होता है उसमें जैसे पहले भी मैंने कहा है कि कुछ योग इन्होंने बना दिए हैं, तो चलो वो तो योग है कि वो उसमें विवाद होता है और वो डराने के लिए किया जाता है, लेकिन एक अभी ज्योतिष के साथ वास्तु को भी जोड़ दिया। मैंने 35 साल से ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूं, उसमें सब वास्तु संबंधी कोई अलग से कोई सा अध्याय नहीं है। सवाल यह है कि वास्तु का मूल स्वरूप जो है वसति इति वास्तु, जहां मानव रहता है वो वास्तु। अब उसको चाहिए दो बातें, प्रकाश और हवा, जो वेंटिलेशन जो बोलते हैं रोशनदान। अब जो ये जो है आर्किटेक्ट इंजीनियर का शब्द हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि ज्योतिष लोग जो है वो वास्तु को दोष बताने लग गए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, बहुत ही सामान्य ज्ञान का प्रश्न है जो हम लोग शास्त्र में पढ़ते हैं, अध्यात्म में हमको बताया जाता है, हमारे शास्त्र बताते हैं कि हर कर्ण में और हर क्षण में भगवान है, दशो दिशाओं में भगवान है, कोई ऐसा जगह नहीं जहां भगवान नहीं है। तो फिर हम कैसे कह देते हैं कि यह अशुभ है और यह अशुभ है, इधर मुंह करेंगे तो ऐसा होगा, उधर मुंह करेंगे तो ऐसा होगा। गुरु नानक देव का उदाहरण नहीं है क्या, वो जो मस्जिद के पांव रख के सोए थे तो उन्हें कहा था जिधर उनका पांव गया उधर वो मस्जिद दिखाई दी उसको, तो गुरु नानक देव से बड़े हो गए लोग। और भी ऐसे कई संतों के उदाहरण जिन्होंने सांकेतिक रूप से ही कहा है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है। तो मानव को क्या अधिकार है कि वो किसी भी दिशा को अशुभ ठहराए और लोगों को भ्रमित करे कि इस, अरे जो प्रारब्ध आप लिख के लाए वो जो गीता में प्रारब्ध का इतना अच्छे से समझाया है उसको न बदलते हुए तुमने दीवार को इधर तोड़ के उधर कर दो, इधर का वो कर दो, ये किचन यहां से वहां बना दो, ये कर दो, तो उससे क्या बात, आपका भाग्य बदल जाएगा? और इससे लाखों रुपए की लूटपाट चल रही है, ये ज्योतिष शास्त्र की बदनामी है। वो ज्योतिष शास्त्र के वैज्ञानिक आधार वाले जो ज्योतिषी उनको ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। तो ये वास्तु का है या कलर जो कोई हो सकता है उनका वो करो आप, लेकिन दिशाओं को शुभाशुभ ठहरा के इधर से और एक नया वो पिरामिड लगाने लग गई है, अरे किसी भी करके अगर भाग्य बदल जाए। दूसरा ये है कि जो लाखों रुपए, बहुत बड़ा एक प्रश्न आता है सामने कि जो अफोर्ड कर सकता है, जो पैसा लगा सकता है, जिसके पास पैसा की क्षमता है, उसी के लिए वास्तु है, गरीब आदमी के लिए वास्तु नहीं है। वो इस देश में गरीबों की संख्या इससे कोई लेना देना नहीं है, मानवता के नाते ज्योतिषियों को, जो ज्योतिष जो अपने आप को ज्योतिष कहलाते हैं उनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है कि गरीब बस्ती में जो रह रहे हैं वो किस हालत में रह रहे हैं। ये बस बड़े लोगों के वास्तु या पूंजीपतियों के लिए ज्योतिष है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये वास्तु का जो है भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, इससे बचना चाहिए लोगों को। ईश्वर को मानो, ईश्वर हर जगह मौजूद है, कर्ण में क्षण में है, दशो दिशाओं में, किसी को अधिकार नहीं है मानव को कि वो ईश्वर को जो है किसी दिशा को अशुभ ठहराए। ईश्वर से बड़े हो गए हम, ईश्वर को नकार देंगे, ये दिशा अशुभ मतलब ईश्वर नहीं है वहां पे, इसका कोई आधार नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि हमको अपना अच्छा प्रकाश चाहिए जहां हम रहते हैं। इसमें एक जो एक बात है ज्योतिष के अनुसार भाग्य की जो बात है, अभी मैंने एक विज्ञापन देखा, उसमें वो विज्ञापन वाले बोलते हैं कि भाग्य कितना ही अच्छा हो पानों का लेकिन उसका वास्तु खराब है, वास्तु खराब हो तो वो, अरे तो जब भाग्य अच्छा होगा तो उसको वास्तु गलत कैसे मिलेगी, ये सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। इस तरह के भ्रामक प्रचार करके विज्ञापन और विज्ञापन पढ़ने वालों को भी ध्यान रखना चाहिए ना कि इस तरह से हम क्यों भ्रमित हो रहे हैं और क्यों इनके इसमें जा रहे हैं भ्रम में और पैसे अपने जो है लूटपाट करवा रहे हैं अपने, इसका ध्यान रखना चाहिए। और वास्तु वास्तु जैसा कोई बहुत बड़ा कोई इसके अंदर आधार नहीं है, दिशाओं को शुभाशुभ ठहरने का मानव का अधिकार नहीं, इसको स्पष्ट रूप से समझना है।